कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के फॉर्मर सीएम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई पंजाब लोक कांग्रेस। हालांकि इलेक्शंस में पंजाब में जब चुनाव हुए तो वो छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन अब बीजेपी के साथ उनका मर्जर, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे। होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ उनकी कई राउंड की मीटिंग हुई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई केंद्रीय मंत्री आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। किरण रिजिजू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नरेंद्र तोमर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही आप कैप्टन अमरिंदर को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब इलेक्शंस में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का और अकाली दल का सफाया किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, एक वैक्यूम की बात पंजाब में ऑपोजिशन के लिहाज से की गई पर्ची और पार्टी का पटका और बुके देकर विधिवत पार्टी में स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अमरीश सिंह अलीवाल जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी का पटका दें। आदरणीय तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अजय सिंह भट्टी जी, जो कि पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, उनका भी पार्टी की पर्ची उनकी सदस्यता की उनको दें। आदरणीय तोमर जी, श्री केवल सिंह जी को भी पार्टी का सदस्यता की पर्ची देंगे। आदरणीय किरण रिजिजू जी, युवराज नरेंद्र सिंह जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। आदरणीय तोमर जी से आग्रह है कि बीबा जयेंद्र कौर जी को भी पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें। तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा अपनी पार्टी का विलय कर दिया गया है बीजेपी में। उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि इलेक्शंस में कुछ खास नहीं कर पाई थी, यहां तक कि कैप्टन अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, जो कि उनका बेस्टियन था पटियाला में, और कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी तकरार रही थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया था, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और काफी आक्रामक तेवरों के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। कटघरे में सीधे तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने खड़ा किया, कटघरे में खड़ा किया था, और उसके बाद से ही लगातार इलेक्शंस के बाद से ही एक ऑपोजिशन के लिहाज से पंजाब की पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम की बात की जा रही थी। और बीते दिनों में कई मुलाकात हुई कैप्टन अमरिंदर की बीजेपी के बड़े नेताओं से, और इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय कर दिया है बीजेपी में, और आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह को नरेंद्र सिंह तोमर और साथ ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा सदस्यता दिलाई गई है और पार्टी में उनका स्वागत किया गया है, खासतौर पर जिस तरह से वो काफी वोकल रहे कैप्टन अमरिंदर बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले को लेकर, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर। उस लिहाज से भी बीजेपी जो पंजाब में अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही है और उस जमीन को बढ़ाना चाहती है, कैप्टन अमरिंदर क्या उसे उस सिलसिले में मदद कर पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल अब भी बना हुआ है।